नमस्कार दोस्तों, ठीक है, वो सब सुन रहा है आदमी अभी। हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसे बिहार सरकार द्वारा जातिवार जनगणना का रिपोर्ट जो है आ गया है, इसमें सभी जातियों की संख्या बताई गई है, कौन कितना है, किसकी कितनी संख्या है, और इसमें वर्ग भी बताया गया है और जाति भी बताया गया है। पहले तो ये बताइए कि सही आंकड़ा पहले बिहार सरकार में तो कोई मंत्री वगैरह आके बोले नहीं है कि विधिवत जारी किया नहीं, नहीं, बिहार सरकार के वेबसाइट पर जारी हुआ है, इसलिए इसमें मंत्री मंत्री की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के किस वेबसाइट पर जारी हुआ है? बिहार सेंसस का है ना, वो आप बिहार सरकार की वेबसाइट है, वहाँ से लिया गया है। बिहार जाति जनगणना 2022 बिहार सरकार का ही बोर्ड है। तो इसमें है आपका सबसे पहले कोटिवार, मतलब कि वर्ग से, कि किसकी कौन से वर्ग में किसकी कितनी संख्या है। इसमें आपका है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें दो बात दिया गया है। पिछड़ा वर्ग में लगभग कितनी जातियां हैं? पिछड़ा वर्ग में बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग में चार जातियों को शामिल किया गया है। इसमें है यादव, सिर्फ चार जातियां हैं पिछड़ा में, यादव, कुर्मी, कोयरी और कलवार बिहार में, और अति पिछड़ा में बाकी जो भी ओबीसी की जातियां हो गई वो सब अति पिछड़ा में डाला गया है। जो भी यहाँ पे करीब 700 कुछ जातियां हैं लगभग, मतलब पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यादव, कुर्मी, कोयरी और कलवार को छोड़कर सभी जातियां। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में लगभग कितनी जातियां हो गई? मुझे लगता है कि बिहार सरकार के द्वारा रोहिणी कमीशन जो बताया था 700 से कुछ ज्यादा है, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। 700, हाँ लगभग, नहीं ज्यादा ही हो गए 700। ये हाँ पिछड़ा वर्ग में चार, मात्र चार, हाँ चार। इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें यादव इसमें यादव है, ये हाथ से ले दिया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से है यादव, दूसरा है कुर्मी, तीसरा कोयरी और चौथा कलवार। चार जातियां हैं जो आपको पिछड़ा वर्ग में डाला गया है, सिर्फ चार ही है, और इनको बिहार में पंचायत चुनाव में आरक्षण प्राप्त नहीं है, ये जनरल में आते हैं चारों जातियां, क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग जनरल में आते हैं, पिछड़ा वर्ग जनरल में पंचायत चुनाव में इनको आरक्षण नहीं है और जनरल की तरह ट्रीटेड है, जनरल की तरह ट्रीटेड है बिल्कुल। और लगभग इनमें हम आंकड़ा देते दिखाए दहाए सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, हाँ मतलब तीन करोड़, तीन करोड़ चौवन लाख 63,936 मतलब पिछड़ा वर्ग। और चार करोड़ सत्तर लाख के आसपास अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और आप कह रहे हैं कि 700 इसमें है, नीतीश कुमार ने जब ओबीसी के अंदर विभाजन किया था तो इसमें नीतीश कुमार का तर्क यह था कि जो कॉर्पोरेट मॉडल है ना इसको लागू करना, हालांकि कॉर्पोरेट मॉडल पूरी तर्क से लागू नहीं किए, लेकिन इनके पीछे था कि चार जातियां जो है ना यह बहुत आगे बढ़ चुका है ओबीसी के अंदर, तो इसीलिए इनको अलग किया गया, नेक्स्ट वन में डाला गया, इनको नेक्स्ट टू में, तो इसीलिए ये कोई बुरा बात नहीं है। पिछड़ा वर्ग मतलब क्या, पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण किसी प्रकार का लाभ, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं, राज्य सरकार की नौकरियों में इनको आरक्षण नहीं है, ये ओबीसी के अंदर आएंगे ठीक है, लेकिन विशेष लाभ इन्हीं को मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। और पंचायत चुनाव में जो अति पिछड़ा का आरक्षण है, पंचायत चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण नहीं है, अति पिछड़ों को आरक्षण है। तो मान के चले कि अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति, ये दोनों तो सरकार के द्वारा पहले से ही आरक्षित है। नहीं, पिछड़ा वर्ग भी आरक्षित है सरकार के द्वारा। नहीं, वो नहीं, इनका तो जातिगत आंकड़ा पहले भी जारी होता रहा। हाँ, पहले भी होता था। हर सेंसस में हर जो जनगणना हो रही थी वो तो मिल ही रहा। हाँ, तो मतलब इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, लेकिन इस बार जो जाति का आंकड़ा जारी किया गया है ना, तो अनुसूचित जाति की कुल संख्या जो इधर बताया गया है 19.65%, तो इसमें अनुसूचित जाति में और कौन कौन जाति है उसको भी डिवाइडेशन किया गया है, यह विशेष है। अच्छा। हाँ, मतलब वर्ग के अंदर जाति। अच्छा, हम इसमें आते हैं। इसमें आते हैं। हाँ, यह प्रतिशत में दे रखा है आंकड़ा। ज्येष्ठ खाते से कमाया है। थोड़ा सा हाथ से जेस्चर बढ़िया ना, हल्का सा और भाई ठीक है। उठा उठा के देख लीजिए। अच्छा, बात कर रहे हैं पहले मुसलमानों की, बात कर रहे हैं पहले मुसलमान ही। पहले मुस्लिम की बात कर रहे थे, मुस्लिम हो गए 17.7%। पहले से भी अमूमन कहा जाता था बिहार में 15% मुसलमान है, 17% है ज्यादा, 17-18% होने पर। तो इसमें तो मुसलमानों के साथ बेईमानी कर दिया गया ना। मुसलमानों के साथ बेईमानी तो चली रही थी इसमें। मुसलमानों के साथ बेईमानी ही है कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान कर दिया गया। नहीं, उसमें भी उनकी जसमें तो जातियां हैं। नहीं, इनकी भी जातियां आएगी, जो पसमांदा है ना, जो बिहार सरकार ने रोस्टर दे रखा है आरक्षण में, तो इसमें भी पसमांदा के जो लोग हैं उसका भी जाति जताकर आएगा। अभी तो नहीं आया। नहीं, आ जाएगा ना, अभी लोग एक्टिव जहाँ जहाँ है, अभी यादव का दिमाग है, पूर्वी का दिमाग है, वहां जा रहा है, इसमें भी आएगा आकर। अब बात कर लेते हैं सबसे पिछड़ा समाज की। नहीं, सबसे पिछड़ा यादव। हाँ, पिछड़ा में एक संख्या तो सबसे पिछड़ा तो हमको यही लगता है। नहीं, सबसे पिछड़ा नहीं है। अब मान के चलिए 15% के आसपास है, 15% हुए नहीं। हाँ, 14.25%। अब 15% में इनको कितना आरक्षण चाहिए। नहीं नहीं, इसीलिए तो गिना गया है, अब तो सीधा स्पष्ट हो जाएगा, कम से कम भारत सरकार से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिहार सरकार पे तो दबाव रही है कि अगर 100 लोगों की वैकेंसी निकलती है तो उसमें 17 मुसलमानों को दो और 14 यादव को दो, सीधा बात है, इसमें कोई लड़ाई वाला बात ही नहीं। देगा कौन? बिहार सरकार देगा। कैसे दे देगा? देना पड़ेगा इनको। कह देगा कि नहीं नहीं कैसे, तो फिर जाति आचार डालेगा क्या, जाति की संख्या देगा, राजनीति नहीं होगा, सीधे सीधे लोग बयान करेंगे। बोलेंगे कि यादव और बोलेंगे कि मुस्लिम। जो भी अब डिमांड करेंगे वो बोलेंगे कि देख, कुर्मी मैं हूँ और कुर्मी को 300 में से 3 सीट कुर्मी को चाहिए एग्जाम किसी भी प्रश्न। कुर्मी लोग मान जाएंगे, काहे नहीं मानेंगे, संख्या 3% है तो आप कितना चाहिए, यही तो नियम है, इसी का तो जनगणना जारी जातिगत आंकड़ा जारी। ब्राह्मण भी लड़ेंगे कि मुझे 100 में 3.75 नौकरी उनको चाहिए, ब्राह्मणों को 4.75 आरक्षण मिले उनको, इसीलिए लफड़ा लड़ाई झगड़ा ही खत्म, ये तो अच्छा बात है ना। हम बात करते हैं सबसे, अब जैसे देखो हम मुसहर सबसे पिछड़े पे बात करेंगे, हम जिनको हमेशा इनकी इनकी तो गिनती ही नहीं है, मुसहर समाज। हाँ,
ब्लू से कर भी दिए हैं कि मुसर समाज के पूरे पर राजनीति हो रहा है और सेट को तो हमारा बढ़ेगा कैसे। हाँ उसको फोन काट दो, फोन काट दो बालावा फोन करता है। ठीक है काट दो माने रिज्यूम करो। ठीक ठीक। तो इसमें सबसे विशेष बात कि बिहार सरकार के एक भी बड़े पद पर मुसर नहीं है, क्लास वन का एक ही ऑफिसर नहीं कहीं बताइए 3% है। हाँ उर्मी से ज्यादा 3% है। यहाँ आइया यहाँ देखिए बनिया समाज देखिए 2%। हाँ मुसर 3%। हाँ और उसमें छोड़िए ना कि कायस था ये। हाँ कितने परसेंट है? तो कहने का मतलब है ना कि पहले से कौन कितना कौन पद पे है इस पे तो कोई राजनीति होना नहीं चाहिए और बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अब से चूंकि जातिगत आंकड़े जो अब जारी किए हैं तो ये मजाक करने के लिए नहीं हुआ है, यह सुधार के लिए हुआ है। जाति क्यों क्यों गिने हैं? क्योंकि जो जातियां जो है जिस संख्या में है वो पीछे रह गया है तो उसमें सुधार की बात करें, इसलिए जाति का आंकड़ा जारी किया। हाँ 1% से भी कम है। इनके विधानसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए बिहार से कितने लोग हैं? नहीं ठीक है वो जो है वो है जो कहाँ है यहाँ इस समाज के लोग कहाँ है। हाँ तो इसीलिए तो अब यह समाज जो है इनको अधिकार मिलेगा है 3%। हमको ताज्जुब लग रहा है कि 3% के आसपास ये। नहीं तो आपको जानकर एक बात और ताज्जुब लगेगा कि ओबीसी में जो 3500 जातियां हैं 3500 में करीब 1600 से 1700 ऐसी जातियां हैं जिसमें क्लास वन का ऑफिसर भी नहीं है, सोचिए। और इस पे तो हमको लग रहा है कि ग्रुप डी का कर्मचारी तक नहीं हो, पूरे गांव में मैट्रिक पास लेके नहीं रहा तो ग्रुप डी का फॉर्म भरने के मैट्रिक पास होना जरूरी है ना, ये शिक्षा में पीछे है। 3% है तो आप वैकेंसी निकले, आप वैकेंसी निकले तो नियमानुसार 5वीं पास भी हो तो इनको नौकरी लगना चाहिए। 3% लोग हैं और 3% किनके बराबर है हम देखते हैं। देखिए 3% किनके बराबर है? राजपूत के बराबर, राजपूत समाज के बराबर है। हाँ। लोग राजपूत समाज के बराबर है। हाँ। और बिहार समाज से अधिक है। हाँ। मल्लाह से ज्यादा और मल्लाह से ज्यादा ब्राह्मण के बराबर समाज के बराबर है। से अधिक है और फिर इस समाज जो है यहाँ है। हाँ तो इसीलिए जाति का आंकड़ा है, इस धार में है सुधार का बात हो। मोबाइल में रहो तो किस धारा में समाज और ये बात इस पे तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है। हमको तो लग रहा है नहीं चर्चा होगा, हमको तो लग रहा है कि सारी पार्टियों को कम से कम 3% यहाँ है, कम से कम 8% पार्टियों को उसमें आरक्षित देना चाहिए कि विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा में इनको दावेदारी नहीं। सिर्फ जन प्रतिनिधित्व नहीं, सरकारी नौकरियां या प्राइवेट में जो भी आरक्षण की बात चल रही है उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे इसके लिए मैं बताऊँ क्या दिक्कत है, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी का, ये लोग ग्रुप डी में भी नहीं है, ग्रुप बी और सी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म निकलेगा, जैसे ग्रुप डी का निकला या किसी भी तरह सरकारी कर्मचारी जो वगैरह होते हैं तो उसमें मान लीजिए फॉर्म निकलता है तो इसके लिए चाहिए कि कम से कम मैट्रिक पास 10वीं पास होना चाहिए ना। गांव गांव में आप ढूंढिएगा ना तो एक आदमी मुसर आपको 10वीं पास नहीं मिलेगा। तो अब ये बनना चाहिए नियम कि 10वीं पास हो या ना हो, अगर मुसर है तो उसके लिए 100 सीट अगर है तो उसमें 3 सीट मुसहरों को जब्त किया जाए और फॉर्म भरने का अधिकार है। नहीं मिनिमम 3 सीट जो नियम है, 3 सीट इसलिए है क्योंकि आप मांग कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को 3 सीट मिलना चाहिए। कई सालों से देखिए कई सालों से ब्राह्मण समाज भूमिहार समाज नहीं तो कई सालों से जो भी हुआ है ना उसको छोड़ दीजिए और इतना दया भाव मत दिखाइए, दया भाव के कारण ही तो अभी तक पीछे है, इसलिए नियम से ही दे दीजिए। दया भाव क्या जरूरत है किसी जाति को दिखाने का, किसी को नहीं दिखा तो क्या इनको मिलेगा? मिलना चाहिए, मिलेगा जो बिहार सरकार से आता है और तेजस्वी नीतीश जी से आता है, इसलिए गिनवाए ना, तो मजाक करने की थोड़ी नहीं गिनवाए, मिलना चाहिए। और ये मल्ला समाज देखिए, हाँ
को भी मिलना चाहिए। महिला समाज क्या कर रहे हैं, 100 में 2.6 सीट इनको मिलना चाहिए। इनका सारा जो भी कारोबार था सब बंद हो गया। अब कारोबार वाला जो है उसके लिए अलग से प्रोग्राम बने। अभी सिर्फ नौकरियों की बात है। बिहार पुलिस का रोक निकल रहा है ना अभी, कुछ पता नहीं कुछ हाँ इस तरह से। तो अभी जो है सबको चेंज करो और वैकेंसी इसके अनुसार जाति के अनुसार निकालो कि इसको इतना इसको सबकी नहीं है तो अब क्या लफड़ा बचा है। इसमें बहुत सारी जाति ऐसी जो मैंने बोला उसमें बहुत सारी जाति ऐसी होगी जो 0.0001% है, तो उसी के अनुसार दो नौकरी देना चाहिए। नहीं तो वार्ड के लड़ाई खत्म की यादव जो है और यादव कोई मिलकर 27 है तो 27 नौकरी दो, वो सब लफड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया मतलब आप जैसे जाति है वैसे क्या है वैसे आप दीजिए मिलना चाहिए। नहीं दीजिए तो फिर क्या करेगा, नहीं विद्रोह कर लोग लड़ाई करेंगे सरकार होगा देना पड़ेगा। तो कैसे मिलेगा, मान लीजिए कि लोग बोले कि यादव को आरक्षण मतलब सरकार है दुनिया भर का। किस सरकार ना ना सरकार प्रकार हमने फालतू बातों सब कुर्मी और कुशवाहा समाज के भी बारे में बोला जाएगा। हाँ तो होगा अपना सरकार होगा जिसके होंगे उससे हमको क्या। और देखिए राहुल गांधी का संसद में बयान है। हाँ राहुल गांधी ने संसद में क्या बोला, क्या मुझे ध्यान नहीं होते कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे बिहार सरकार कौन चला रहा है, मतलब कोई भी सरकार कौन चला रहा है, केंद्र में ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं 90 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही चला रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या बोले हैं, राहुल गांधी बोले कि पिछड़ा समाज वो ओबीसी पे काम किया जा रहा है, कांग्रेस सरकार ओबीसी पे ज्यादा काम कर रही है। तो पिछड़ा समाज उसमें मात्र 3 है, 90 में से 3 है पिछड़ा समाज। पिछड़ा समाज का तो बात किया गया, राहुल गांधी कर रहे हैं संसद में भारत के दूसरे सबसे बड़े नेता का बयान। कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यही ना। राहुल गांधी का बयान है कि ओबीसी को मात्र 3 सीट मतलब ब्यूरोक्रेट्स में 3 ही लोग हैं जो ओबीसी समाज से हैं, बाकी सब ब्राह्मण समाज से। आज के डेट में कांग्रेस का जो वोट बैंक है ना उच्च क्या है, कांग्रेस का वोट बैंक कहा नहीं तो आजादी के बाद से ही कांग्रेस के राजनीति में स्वर्ण और दलित और मुसलमान ये 3 लोगों के लेकर राजनीति होता था। ओबीसी का तो नामो निशान कांग्रेस के राजनीति में ही रहा है। कांग्रेस के एक भी बड़े नेता का नाम 1947 से लेकर 2004 तक एक भी कांग्रेस के नेता का नाम बता दीजिए जो ओबीसी के पास किया हो, एक आदमी। नीतीश कुमार और लालू यादव मुलायम यादव इस सबको मानना पड़ेगा कि 90 के बाद से जो पिछड़ा वाला राजनीति हुआ उससे पिछड़ा समाज आगे बढ़ा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज मतलब बात हुई है तो हम लोग को करना चाहिए कि करिया मुंडा का रिपोर्ट है ओबीसी को लेकर, वो बताता रिपोर्ट ये है कि 1981 में ओबीसी की बड़े पदों पर 12% था 1981 में। हाँ और 2011 में का आंकड़ा जो है 30 साल बाद 13% होता है, मात्र 2% 1% बढ़ा 1%। हाँ और इसमें मंडल कमीशन भी लागू है तो इसका इस पर कहीं कोई देश में बहस ही नहीं हुआ। बहस नहीं हुआ, कोई किसी का नेता ही नहीं है बहस करने की जरूरत ही नहीं किसी को। ओबीसी माने मरा हुआ समुदाय, जैसे हीरो की गिनती एक बार हुई तो कहा गया कि इसको कहाँ डाले तो ओबीसी में डालो इसको। तो ओबीसी के इतने सारे नेता है उतना छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ओबीसी सब करने की बात है कहीं नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी। तो ये बताइए हिजरों की जब गिनती नहीं गई तो उनको अलग से गिना जाता, मध्य प्रदेश या उसको अपर कास्ट में डाल दिया जाता तो पिछड़ा में कह डाला गया, मैंने पिछड़े में डाल दिया। मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले सरकार ट्रांसजेंडर को ओबीसी में डाली। हाँ कहे ट्रांसजेंडर ओबीसी होता है क्या, ओबीसी ट्रांसजेंडर है बात तो सही है, मिला जुला ओबीसी माने हिजरे नहीं वैसे नहीं वैसे कहिए अगर मान लिया कि अगर तो हिजड़ों की मतलब तो हिंदी है गलत है। हाँ तो उसको अलग से डाला जाता है, अलग वर्ड है ट्रांसजेंडर, एक अलग वर्ड है, उनको अलग से आरक्षण दीजिए। हाँ तो उसको ओबीसी जैसे बिहार सरकार दे रही है, बिहार सरकार ट्रांसजेंडर को
अलग से आरक्षण दी है हर नौकरियां में, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो खुद है वो ओबीसी केंद्र सरकार इस मामले पर चुप है पिछले 20 सालों से। केंद्र सरकार हर जाति वाले मामले पे चुप है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार पूरे भारत में जातिवत आंकड़ा करवा दी तो सबके सरकार खतरे में आ जाए, इसलिए चुप है। ओबीसी मामले पर अब जो है अब चुपी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप यही देख लीजिए ना, 27% अति पिछड़ा और 36% अति पिछड़ा, 63 हो गए हैं सिर्फ ओबीसी और आरक्षण 27 है। और ये चरित्र को भी देखिए तो धोखा हो रहा है, 63% वाले को 27%। तो क्या 63% ओबीसी अगर है तो कईयों के नौकरी दे दिए जाएगा? कोई को नौकरी कहाँ बोल रहा है, वो तो मान बीपीएस फार्म भरते हो आप तो उसमें ग्रेजुएट पास होना चाहिए ना, तो कोई को कहाँ मिल रहा है, ग्रेजुएट पास वाले को मिलेगा कि क्या किसी ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो ग्रेजुएट एग्जाम में मैट्रिक थोड़ा घुसा दिया जाता है, सब नियम होता है। अब नीट का नीट आरक्षण मिला तो उसमें न्यूनतम मार्क्स होता है ना, इतना पास होने पे आपको भ्रम में नहीं रहना चाहिए कोई को नौकरी मिल जाएगा, बहुत लोग फायदा करता है सब, इस भ्रम से बचना चाहिए। कोई को नौकरी नहीं मिलता है, न्यूनतम योग्यता होता है उसको तो फॉलो अप करना ही है। जैसे मान लीजिए मुसहर समाज में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुसहर समाज को बोल रहे हैं पांचवा क्लास के नौकरी नहीं तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको दसवां कहां से लगेगा, पहले 10 साल पढ़े तब नौकरी मिलेगा इसको। माने आज के डेट में ये बोलेगा मान लीजिए मुसहर नहीं मिलता है 10 पास, ये ग्रेजुएट नहीं मिलता है तो पहले 14 साल पढ़े तब एक नौकरी, फिर 3 साल नौकरी जो बच रहा है ये कौन ले लेगा, कहाँ चला जाएगा, अब इसमें क्या करेंगे 15 साल पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मान लिया कि कोई वो सीट निकले जिसमें कहा जाए कि MBA चाहिए, BTech चाहिए, MTech चाहिए, में एक आदमी नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? अगर अगर देखिए अगर कोई नौकरी का निकलेगा उसमें चाहेगा कि मास कम्युनिकेशन चाहिए, तो ई समाज गलन, ई समाज गलन, ई समाज गलन, ई पास, यही पास, खाली यही पास, जैसे वो बड़ा बड़ा कोई पद निकलेगा ना भेल में, गेल में, जेल में, मटारा पढ़ने के लिए, नहीं कोई बात नहीं, इसीलिए देश निर्माण कैसे होगा, देश निर्माण होता है सबको साथ लेकर चलने से, सबको साथ कैसे दिया जाएगा, सबको साथ दिया जाएगा नियम से, शिक्षा दिया जाता ना, तो शिक्षा देने का उपाय क्या है, इंतजार करेंगे 20 साल, 30 साल थोड़ा ना करेंगे, देना पड़ेगा। तो पहले तो लग रहा है कि पढ़ाई के प्रति जागरूक करना है, तो वो तो जागरूकता कार्यक्रम तो चल ही रहा है, कौन जागरूक कर, जागरूकता कार्यक्रम पर छोड़ दीजिए, जागरूकता कार्यक्रम वो समाजी का काम है, वो जागरूकता कार्यक्रम पर हम किसी को माने छोड़ नहीं सकते। समाज की बात, मल्ला समाज जो है वो बिहार में वैसी जाति है जो या मारने का जो कार्य हो उसको डाला गया, मल्ला कौन मल्ला की राजनीति, तो मतलब 2% की राजनीति हो रही है, तो 2% हो रही है बिहार में, तो उनका काम कैसे खराब, एक नीतीश कुमार का काम 20 साल से खराब हो जाएगा, काम होगा खराब होगा। ये कौन उपेंद्र कुशवाहा है ना, उपेंद्र कुशवाहा 100% है उनके जिम्मे कुशवाहा, वो भागपुर में मारते हैं 2-7, हाँ
जो भी इग्नोर नहीं ज़्यादा हो गया ना, नेता भी नहीं। हाँ नेता और कैसे इनकार कर सकते, ओ नेता है लेकिन लग रहा है मुकेश सहनी नहीं मलाहो ने नेता स्वीकार किया लगता है कि का ये करते हैं भले जो कैंडिडेट है तो आप भी पद कर देगा कौन मॉडल पहले नेता मलाह तो ये लोग तो बाद में चुनाव है तो सब बीजेपी जहां से अलग है सही नेता तो लेकिन मलाह टिकट नहीं है ऐसा सब जगह उधर वाले निषाद जी दशा है मुख्य धारा कुछ नहीं होता जो चल रहे हैं और जनगणना हो गई है लोग सब उसके अनुसार काम किया जाए मुख्य धारा को मुख्य 1947 ठक्कर बापा से मुख्य धारा सब अपना ठीक है। अच्छा तो क्या नेता यहाँ चलने वाले हैं? इका कहाँ हैं? उज्जैन जी हैं ना और मैंने कहा है कहता है इस पे सबसे ज्यादा राजनीति मुसहर सबसे बिहार में और इस पर इन तीनों पर आप लोग कितने में हैं और सब कब्जे जमा मंडल का मंडल तो चल इनका क्या इसमें है नहीं थे ही नहीं मंडल में ना मंडल पूछो मैंने बाहर दिया मंडल का झंडा अच्छा बात ही है कि चल मान लेते हैं बात बहुत जरूरी जैसे हम बात करते हैं जैसे तीन लोग हैं तो मुस्लिमों में लिखे लोग हमेशा हर सवाल लोग सब राज्य में कि अपन हैं अलग अलग भी हैं और मैंने राजनीतिक कद पे भी ही हैं राजनीति से भी है हर तो पद ठेका पट भी है इसमें भी इसमें तो साइंस थे इसमें बात सब का तो सब तो है जैसे के बच्चे पढ़ भी रहे लिख भी रहे बढ़िया कर रहे को जानने से हो जाएंगे ताव जागरी को बात कहें लेकिन दोनों जागरी को कौन बताएगा बताने वाला नहीं ऐसा नहीं आएगा तो मैट्रिक या पांचवा पास कर जाता नहीं पता है तो सब न्याय न्याय प्रिय कर्तव्य है कि इनके लिए लड़ाई लड़े निकल रहा है तीन को नौकरी दिया जिस प्रकार से अभी सेंसर लागू हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाय दुकान पर स्कूल में कोचिंग लाइब्रेरी में हर इसकी चर्चा कौन चर्चा किस चर्चा नहीं ज्यादातर जो है वो बात करेंगे यादव और कोई वो करेंगे ब्राह्मण करेंगे ब्राह्मण नहीं करेगा नहीं तो पता चल रहा है क्या संसद हमारी इतनी संख्या क्या करेंगे आगे वो तो है ही है उनको करना चाहिए लेकिन इन दोनों समाज के लोग चर्चा कर रहे हैं नहीं कर बिल्कुल नहीं कर मैं कह रहा हूँ इन लोगों हम इनके में जाएं और इनसे सेंसर्स ऐसा मामला बात करें ना
आई हमसे बात करेंगे कि लोग को भरने नहीं लेकिन कि कोशिश का जाते ना करने की ना कार्ड वाले हम गए अभी हाल में गांव में गए हम पूछे आयुष्मान चाची तो हवा नहीं हुआ था यह दशा है आयुष्मान कार्ड तो जीवन में मतलब आधार कोई कार्ड हम मेट्रो कार्ड पैन कार्ड और उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड इनके पास आधार कार्ड है कार्ड बना तो बहुत सारी जरूरत है व्यक्ति की जरूरत आधार कार्ड जरूरत नहीं आधार कार्ड की जरूरत उनको अपना इसलिए बना उसमें पता एक बात कर रहे इनको बताएगा कोई बताएगा लेकिन जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी इस पर जो नीति होगा आने वाले 2025 से लेकर 35 के चुनाव तो कहाँ रहेंगे चर्चाओं में चर्चा में रहेगा चर्चा में इसलिए चर्चा तो बहुत ज्यादा रहेगा इनका एक चर्चा तो चर्चा तो नेता करेगा ना उनको क्या इसे कोई लाभ मिलेगा हम ये लाभ तो मिल जाएगा लेकिन सवाल मिलेगा कैसे मिलेगा तो बेमानी ये बहुत है इसको कि जो है चौंट है तो मैंने तो सुबह 4% है 2.8 या तो इतना उनको यह मुश्किल चीज नहीं देंगे नहीं देंगे लड़ाई विद्रोह अभी जो तैयारी किया तो इस बहस बहस विरोध करेंगे कि नहीं आंकड़ा है या तरह से बात नहीं तो सही गलत आंकड़ा सही आंकड़ा तो सही नहीं है ना ये तो बात होगी ना तो अपना स्क्रीन हो सरकार ही कहता है कि पीपी 6-2% हम किसी कहां विरोध कर जो बोल दिया देश में कितने लोगों को मालूम है कि निकलता है तो सरकार है ना बोल आने वाला विधानसभा जो सत्र है कि चर्चा में आपसे सरकार गैर सरकार सुविधा पे जो गैर सरकार को नौकरी दिया जाए की सरकार की नौकरियां नहीं तो इस रोल का फॉलो जिसने संख्या है उसकी मुसलमान इनके भी किए जाए जो क्योंकि नीतीश जो रोस्टर है आरक्षण पे करते हैं तो बस आरक्षण पे बात है तो इनके आंकड़े जो है जारी करेंगे के अंदर इसमें अशराफ और पसमान जो है इनके बताए जाएंगे और नहीं ऐसा कुछ होता तो यह दुख है मुसलमान भी कौन पत्थर मुसलमान शुरू से देख तो यादवों के साथ न्याय हो रहा है अब न्याय छोड़ दीजिए सब के साथ हम याद हो जाते यादों के बाद तो बाकी लोग भी छूट जाएंगे सब जातियों के साथ न्याय हुआ है भारत न्यायों का ही देश और जाति नहीं है तो बहुत गलत आखिर कौन मजा लेके चले मजा लेके चल विमान थे ठीक है जो जिम्मेदार है जो बुनियाद है ये समझे जीरो दो संख्या है संख्या
द्वितीय भी जमाने में एक राजा था ना, कुछ नहीं होता कि पूरे जितनी भी लड़ाई है वहां पे बने हैं वो सबसे बना और वगैरह छोड़ दिया जाए और इटली का दुनिया में भी लड़ाई उसका जो है अब लेनिन कौन जा वो यहूदी कार्ल मार्क्स कौन यहूदी वो कितनी हालांकि पीछे दलितों के में भी बात करने वाले लोग इन्हीं सब से थे हाँ कॉन्सेप्ट कहाँ से हाँ छोड़ दीजिए उसका वो ये सही है कि जिस की बात करते हैं वर्ग से बात वाला हो तो न्याय मामला हो ओबीसी में इंदिरा करना है इस तरह से इंदिरा के बाद किसको करना है इस वजह से मौन हो जाता है इंदिरा को हाँ जैसे अभी लोग मोदी को खा मोदी को खा रहे हैं किसको इसको मोदी को क्यों भाई वो हाँ खा को खाई मोदी को खा वही खाएंगे और संसद में बिल कि प्रधानमंत्री भी होना चाहिए ओबीसी घोषणा ये का विषय है प्रधानमंत्री जिसके पास 270 प्लस 230 सीटें जिसके पास वह प्रधानमंत्री आम नहीं चुनता है हम चुनते हैं तो संसद में ओबीसी प्रतिनिधित्व उसमें आरक्षण मिले संसद में ओबीसी के प्रतिनिधित्व बढ़ेगा यानी संख्या प्रधानमंत्री तो वो उनकी जिम्मेदारी किसको चुनते कोई कुछ कर नहीं मशीन नहीं है अभी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो 122 के पास हो जाए बनेगा तो ओबीसी तो वही भी बन सकते कुर्मी कितना है 8% तो है तो वह 20 साल से कायदे से तो ये मुसलमान मुख्यमंत्री होना सबसे ज्यादा हालांकि कांग्रेस से बात करते हैं तो से कम इस विधायक तो होना मुसलमान हो गया कहाँ ये तो है अभी विधायक है तो ये तो कैसे ज्यादा पार्टी ये था दो दूरी भी पांच और संख्या से पास यादव कुशवाहा कुशवाहा दूसरो नौ होने चाहिए अगर रोस्टर जाति के अनुसार करें तो ये गरीब लगता है कि ब्राह्मण को ये तो गिने में मतलब ये कांग्रेस मुस्लिम पे नहीं कांग्रेस राजनीति मुसलमान स्वर्ण और दलित तीन पे राज्य कांग्रेस कभी नहीं रहा अब राहुल गांधी है अच्छी बात है 60% आबादी पीछे छोड़ निर्माण पे नहीं देश का विकास होगा यह 60 को साथ लेकर चलता चलेगा तो कर भारत पर ओबीसी है ना मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ करो क्या काम होता है सरकार ने क्या काम कर रहे हैं तेजस्वी मैंने सरकार में क्या किया है कुछ भी नहीं किया ओबीसी और ओबीसी काम करना दो अलग अलग विषय है लग रहा है वीडियो डिस्कशन शॉर्ट कर सुंदर से अच्छा लगे करना है बहुत बहुत धन्यवाद।